तो गाइस देखो, मैं यहाँ पर साइड स्क्रीन पर मैं जैसे इसको रिप्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर व्यूज बढ़ रहे हैं। फिर मैं इसको रिप्रेस करूंगा, फिर व्यूज बढ़ रहे हैं। देखते देखते मैं 6000 से 10000 व्यूज हो चुके हैं। और ये एक शॉर्ट वीडियो वायरल करने का कुछ तरीका बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर यूट्यूब, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि सुनील फैक्ट्री के नाम से चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था, अभी बनाया था। और इसके ऊपर मैं 400 से 500 वीडियो अपलोड कर रही, ओनली 400 से 500 वीडियो अपलोड कर रही। और उन 100 वीडियो पर आप व्यूज देखो, 7000 9000 10000 12000 इतने व्यूज आ रहे हैं। आखिर में राज क्या है एक न्यू चैनल पर अचानक से व्यूज लाने का, जो कि मैंने खुद इस वीडियो पर एक्सपेरिमेंट किया था 7 से 8 वीडियो अपलोड करके। और वो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप गाइस सही तरीके से काम कर लोगे, जो मैं तरीका आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, अभी आप अगले 10 दिन बाद में आपको ये चैनल दिखाऊंगा, इसके ऊपर 1K सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो जाएगा। अभी 2 दिन के अंदर ही इसके ऊपर सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं, 337 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप स्क्रीन शॉट पर देख लो। बट मैं गारंटी के साथ लेता हूँ कि आपको मैं 5 दिन के बाद इस पर 1K सब्सक्राइबर में आपको कम्प्लीट दिखाने वाला हूँ, वो भी 100 वीडियो के क्रिएटर के। अगर आप इसमें व्यूज देखते हैं, 48 घंटे का व्यूज देखो आप, 32000 व्यूज आए हुए, यानी 48 घंटों में कितने व्यूज आए, 32000 व्यूज। तो ये एक शॉर्ट क्रिएटर है, जो आखिर में 100 वीडियो वायरल करने का तरीका बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में, कि आखिर में 100 वीडियो वायरल कैसे होती है, जो कि मैंने खुद यहाँ पर 100 वीडियो वायरल किए, वो तरीका इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो देखो गाइस, आपको अपनी 100 वीडियो वायरल करने के लिए आपको सबसे पहला चीज होता है, अपनी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करना होगा। अब आप ये सोचोगे भाई हम सस्पेंस क्रिएट कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे पहले अपनी वीडियो की लेंथ हमेशा कम रखनी होगी। आप क्या करते हो, स्टार्टिंग में 100 वीडियो बनाते हो, उसकी लेंथ दबा के फुल पार्ट रख दो 1 मिनट तक की। बट मैं रिकमेंड करूंगा आपको 30 से 40 सेकंड के बीच की बनाओ, अगर आप फैक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाते हो। मैंने इसके अंदर फैक्ट वीडियोस बनाए 4 वीडियो 5 वीडियो मैंने फैक्ट वीडियो बनाए, और इसकी लेंथ मैंने रखी 30 से 40 के बीच में, यानी 30 से 40 सेकंड के बीच में रखी, जिससे क्या होता है ऑडियंस रिटेंशन अच्छा आता है। अभी मैंने ये वीडियो अपलोड कर रखी है, आप इस पे देखो 7-8 व्यूज आए हुए हैं, बट इस पे ऑडियंस रिटेंशन देखो 10% है। तो ये इस वीडियो पर भी व्यूज आएगा 100%, 100 वीडियो से इस वीडियो पर भी व्यूज आएगा, क्योंकि इसका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है। अगर आप इसका एवरेज व्यूज कम होगा तो उसका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है। शॉर्ट वीडियो वायरल होने का मेन रीजन ये होता है कि आपको सस्पेंस क्रिएट करना होगा, अपनी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा उसको रोकना होगा अपनी वीडियो पर। तो आप कैसे रोक सकते हैं, देखो मैंने 3-4 वीडियोस बना रखी है ना, तो इस वीडियो को बनाने का जो कारण है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि मैंने किस तरीके से ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1-2 वीडियो आप प्ले करके देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्ले करके बताता हूँ मैंने किस टाइप से वीडियो अपलोड कर रहे। तो गाइस यहाँ पर 4 लोग बैठे हुए थे, 4 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, इतने में इनके पास मैंने इस टाइप से वीडियो अपलोड की, यानी कि मैंने कहीं से वीडियो उठाए, जो कि वीडियो यूट्यूब से उठाए थे मैंने, ठीक है, यूट्यूब से डाउनलोड किए, इसमें थोड़ी सी वॉइस ओवर की और थोड़ी सी एडिटिंग की, क्योंकि ये वीडियोस पर ज्यादातर मिलियनों व्यूज आते हैं, क्योंकि इस वीडियो पर मिलियनों व्यूज आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं वीडियो को अपलोड कर दूं अपने चैनल पर शॉर्ट क्रिएटर के साथ, यानी कि इनके अंदर वॉइस ओवर कर दूं, इनको थोड़ी बहुत एडिट कर दूं, और फिर मैं उन्हीं वीडियो को शॉर्ट रील में अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि लोगों को अच्छा एंगेजमेंट मिला और लोगों को उसे देखना पसंद आए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर स्नेक के ऊपर की सांप पर जहर कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर 12000 व्यूज आए हुए हैं इस वीडियो पर। इस वीडियो मैंने कैसे लिखा था, देखो टाइटल इसका मेन चीज होता है अपने शॉर्ट वीडियो का टाइटल। तो मैंने यहाँ पर इस टाइटल को 2 भाग में डिवाइड किया था, कितने भाग में, 2 भाग में। तो एक है पहला इंग्लिश में, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नेक वेयर्स के नाम जेट के नाम से मैंने इंग्लिश में इसको लिख दिया था। फिर उसके बाद मैंने वापस से वही चीज हिंदी में लिख दी कि सांप का जहर कैसे निकालते। देखो ये 2 चीज मैंने एक साथ कवर किए, समझ रहे हो इस बात को, 2 चीज मैंने एक साथ कवर की। तो आपको अपने टाइटल में सस्पेंस क्रिएट करना होगा, 2 चीज आपको एक साथ क्रिएट करनी होगी। आप मेरे और भी वीडियो का टाइटल देख सकते हैं मैंने, जिसमें 2 चीज एक साथ मैंने कवर कर रखी है। 2 चीज एक साथ कवर करने से क्या होता है कि आपकी वीडियो रीच बढ़ जाती है, कोई बंदा इंग्लिश में भी सर्च करेगा तो भी आपकी वीडियो रैंक कर जाती है, और कोई बंदा हिंदी में भी देखना पसंद करता है तो वहां पर भी आपकी वीडियो रैंक कर जाती है। क्योंकि ये एक तरीका होता है अपनी वीडियो को वायरल करने का, जो कि इसी तरीके से आपकी 100 वीडियो वायरल होगी, 100% वायरल होगी, मैं लिख कर दे सकता हूँ, गारंटी के साथ दे सकता हूँ। क्योंकि देखो मैं खुद एक्सपेरिमेंट किया हूँ, मैं कोई आपको हवा हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ने एक्सपेरिमेंट किया तो ही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब वीडियो अपलोडिंग के टाइम देखो, आप लोग क्या करते हैं, एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियो अपलोड करते हैं, या फिर 2 से 3-4 दिन में 1 वीडियो अपलोड करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपने चैनल पर रेगुलरिटी रखनी होगी, जब तक आप अपने चैनल पर रेगुलरिटी नहीं रखोगे गाइस, तो तब तक आपके वीडियो वायरल नहीं होंगे, आपका कौन सा भी 100 वीडियो पर मिलियनों व्यूज नहीं आएगा। स्टार्टिंग में डायरेक्ट आपके 100 वीडियो पर मिलियनों व्यूज नहीं आ सकता, बट उसको लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करते हैं, देखो आपको पर डे की 2 वीडियोस बनानी होगी,
दो वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आप शॉर्ट वीडियो बना रहे हो 20-15-20 सेकंड की, उसको एक वीडियो बनाने मैक्सिमम एक आवर्स आप समझ सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत यूट्यूब पर एक्सपीरियंस है तो आप 20 से 25 मिनट में एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हो। उन दो वीडियो को आपको दो टाइमिंग पर अपलोड करना होगा जो कि मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैं किस टाइमिंग पर अपलोड करूँगा, एक तो अभी मॉर्निंग के 8 से 8:30 बजे के बीच में अपलोड करने वाला हूँ और एक मैं शाम को 5 से 6 बजे के बीच में अपलोड करूंगा। तो ये दो टाइमिंग में मैं दो वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे को अभी 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल गया। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मेरे को 2 दिन के अंदर ही रिजल्ट मिल गया। और मैं क्या करता हूँ, शाम को ही मेरी वीडियो बनाकर रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। शाम को दो वीडियो बनाकर रेडी कर लेते ताकि हम कल अपलोड कर सके। आपको ऐसा डेली करना होगा, अगर आप डेली कर ले तो आप 10 से 15 दिन भी काम कर ले तो इसी तरह से, और आपको शॉर्ट्स हमेशा अलग लेवल के बनाने होंगे। आपको किसी का शॉर्ट्स कॉपी नहीं करना होगा। सबसे बड़ी गलती ज्यादातर क्रिएटर्स यही करते हैं कि दूसरे का शॉर्ट्स उठाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे, जबकि वो ऑलरेडी सेव शॉर्ट रैंक है यूट्यूब चैनल पर। तो आप उस वीडियो को, उस शॉर्ट्स को अपलोड मत कीजिए। आप खुद के शॉर्ट्स को अलग बनाइए और अलग बनाकर अपने लेवल से, अपने चैनल के हिसाब से आप उसको अपलोड कीजिए। तो आप अलग अलग टाइमिंग पर अगर आपकी शॉर्ट भी अपलोड करते तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आपकी शॉर्ट भी 100% वायरल हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद किया है, खुद से मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस तरह से शॉर्ट भी अपलोड कर सके। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं हम इसी तरह की नॉलेज आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो फिर से एक नए वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।